हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरे पास है ओरेवा कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओरेवा जिसके आपने फ़ैन और लाइट्स देखेंगे, उसका काफ़ी पुराना इसका इलेक्ट्रिक में बिज़नेस रहा है। और अभी जो है इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर तो वैसे 2005 में ही बन गए थे, लेकिन उस टाइम पे ये फेमस नहीं थे, तो तभी आपने ये सब चीज़ें देखी नहीं होगी। लेकिन काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देखने के लिए मिल जाता है रीज़नेबल प्राइस में। ये सबसे टॉप एंड मॉडल है, इसमें आपको लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। इसका जो रेंज है वो 120 किलोमीटर्स का है और प्राइस इसमें आपको सिर्फ 88,000 पे करके आप ये ऑन रोड आप इसको चला सकते हैं। इसमें टोटल 3 मॉडल आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, आपको लिथियम आयन और लेड एसिड दोनों मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लेड एसिड में आपको 55,000 का कीमत पड़ता है और उसकी जो रेंज जाती है वो अराउंड 60 किलोमीटर तक की जाती है। उसमें बैटरी की वारंटी 1 ईयर की रहती है, लेकिन जो लिथियम आयन वाले मॉडल हैं उनमें आपको 3 ईयर्स की बैटरी वारंटी मिलती है। और जो सेकेंड मॉडल आता है, सेकेंड टॉप मॉडल है, उसका प्राइस अराउंड 78,000 है और उसमें आपको 80 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। तो ये टॉप एंड वाला मॉडल है और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको यहाँ पे जो है लाइट्स भी मिल जाती है इसके मिरर्स में, दोनों साइड आपको मिल जाएगी। प्लस इसमें जो आपको फ्रंट की हेडलाइट मिलती है वो एलईडी मिलती है। यहाँ पे मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ये जो है इंडिकेटर इस टाइप से मिलते हैं। यहाँ पे ये हेलोजन है, पता नहीं क्यों लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको एलईडी मिलती है। प्लस यहाँ पे एलईडी मिलती है और नीचे आपको हेलोजन मिलता है। तो यहाँ पे अगर पूरा फुल एलईडी कर दिया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे भी आपको हेलोजन मिलता है और जो टेल लाइट है वो भी आपको हेलोजन मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ये है ओरेवा कंपनी का इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर और ये है इनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। वैसे इनका जो शोरूम है ये पुणे में है, इसका मैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये ARAI अप्रूव्ड है। यहाँ पे अगर हम फ्रंट में बात करेंगे तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, वोल्टेज दिख जाता है, फिर ट्रिप मीटर दिख जाता है। यहाँ पे आपको इसका एम्बिएंट टेम्परेचर भी देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं आप। और इसका जो है सीट खुलें तो यहाँ पे आपको जो है बैटरी इसके नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस में आप सामान रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिख जाता है। और ये है इसका ओरेवा का ही, देखिए आप, MCB भी लगा हुआ है इसमें। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इसमें जो है ये डिग्गी भी मिल जाती है, तो इसमें भी आप कुछ सामान वान रख सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो हैंडलिंग ओके है, कुछ खास नहीं मिलेगी क्योंकि इसका जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल है और ठीक ठाक आपको हैंडलिंग मिल जाती है। और इसमें जो मोटर मिलती है वो 650 वॉट की मोटर मिलती है। स्पीड आप देखेंगे तो ये 25 किलोमीटर पर आवर तक की जाती है। पता नहीं ये कैलिब्रेटेड है या फिर क्या है, बट स्पीड मुझे फिर भी थोड़ा बहुत तो ज़्यादा लग रही है। अराउंड 45 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लग रही है मुझे इसमें। और तो ठीक ठाक है कंपनी, क्योंकि रिलायबल है। ओरेवा की बहुत सारी चीज़ें आती है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, फ़ैन आता है, लाइट के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से ये जो कंपनी है ये थोड़ी सी रिलायबल हो जाती है। और ब्रेकिंग इसमें आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है आगे और पीछे, तो ये भी एक ठीक है क्योंकि जिसकी स्पीड है उसके हिसाब से जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी सही है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर ये ठीक ठाक लगा मुझे, प्राइस के हिसाब से सही है। इसमें आपको 120 किलोमीटर्स तक की रेंज मिलती है 88,000 ऑन रोड प्राइस पे, और स्पीड भी ठीक ठाक है इसकी। तो नॉर्मल कम्यूट के लिए आप ले सकते हैं, अगर आप स्कूल या फिर ऑफिस पर्पस के लिए इसको लेने जाते हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको 80 किलोमीटर वाला भी मॉडल मिल जाता है जिसकी प्राइस 78,000 तक जाती है। तो ठीक ठाक इलेक्ट्रिक स्कूटर लगा मुझे, जो उसका सिटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी सही है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है नीचे फुटबोर्ड में। और इसका जो थ्रॉटल है वो भी काफ़ी लीनियर है कंपेयर टू जो बाकी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे, उससे लीनियर है। और बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश कुछ खास नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी जो है प्लास्टिक काफ़ी मजबूत है। तो ठीक ठाक इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये,
और थ्रॉटल काफ़ी सही है, इतना तो बोलूँगा नहीं, लीनियर नहीं है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में इसका जो थ्रॉटल है वो ठीक ठाक है, मतलब जितना आप दोगे उसके हिसाब से ही आता है। तो ये चीज़ मुझे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की ठीक लगी और प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे लगा। ई प्लूटो 7G के कंपैरिजन में भी ठीक ठाक है। तो यही सब इस ओरेवा इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक रिव्यू था। थैंक यू दोस्तों।